नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ मास वन के जी टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज रिवॉल्व हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस पॉइंट वन मीटर विथ स्पीड ऑफ थ्री रेवोल्यूशन पर सेकेंड अज्यूमिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल सवाल है देन लीनियर वेलोसिटी एक्सलेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा हमें यहाँ पे बताना है आपकी लीनियर वेलोसिटी वी एक्सलेशन ए आ, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कल है तो ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलेशन जीरो होगा सिर्फ सेंट्रिपिटल एक्सेलेशन और टेंशन इन तीनों की वैल्यू हमें यहाँ बतानी है सो अपने का जो गिवन डेटा है मास दे रखा है वन के जी और यहाँ पे अपने को रेडियस जो है आर दिया हुआ है जीरो पॉइंट वन मीटर ना ये अगर आपका थ्री रेवोल्यूशन पर सेकेंड कर रहा है सो आपका जो सर्कल है ऐसे गोल घूम रहा है जो उसको हम ये कह सकते हैं इसका थीटा अगर एक पूरा सर्कल यहाँ से यहाँ तक इसने एक पूरा कंप्लीट किया है सो so उसका एंगल ट्रेवल्स होएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा टू पाई थ्री रेवोल्यूशन के हिसाब से ये वैल्यू हो गई आपकी सिक्स सॉरी थ्री से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय थ्री सो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी सिक्स पाई सो so आपका थीटा जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स पाई यानी कि सिक्स मल्टीप्लाइड बाय थ्री पॉइंट वन फोर इसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग एटीन पॉइंट एट फोर है ये थीटा आ गया अपना जो आ, ओमेगा है आ, वो हो जाएगा आपका आ, क्योंकि ये पर सेकेंड है ओमेगा को हम लिखते हैं थीटा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन तो ये ओमेगा की वैल्यू हो गई 18.84 रेडियन पर सेकेंड वेलोसिटी है उसको हम लिखते हैं आर ओमेगा स्पीड जिसकी हम बात करते हैं वो हो गई आर ओमेगा आर अपने को दिया हुआ है पॉइंट सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाइड बाई एटीन पॉइंट एट फोर सो so, आपकी जो स्पीड है वो आ गई 1.884 मीटर पर सेकेंड एक्सेलेशन जो है एक्सेलेशन की अगर हम बात करें यहाँ कर लेते हैं ए उसको आप लिखेंगे आर ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू है ज़ीरो पॉइंट वन ओमेगा को हम लिख लेते हैं सिक्स पाए यानी कि थर्टी सिक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर कर लिया हमने इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे पाई स्क्वायर की वैल्यू आती है लगभग नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट एट सिक्स तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ए सी जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग थर्टी फाइव पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना ए आखिरी चीज़ रहेगी टेंशन तो टेंशन जो है उसकी वैल्यू होगी आपकी एम ए सी के बराबर और ए सी अपना आ चुका है एम है आपका जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाइड बाई ए सी थर्टी पॉइंट थर्टी फाइव पॉइंट फाइव यानी कि जो आपकी टेंशन है uh, उसकी वैल्यू हो जाएगी नहीं मास uh, अपना सॉरी वन के जी है ना right? सो मास का वन के है तो टेंशन जो है उसकी वैल्यू हो गई थर्टी फाइव पॉइंट फाइव न्यूटन सो बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं वन पॉइंट वन एट थर्टी फाइव थर्टी फाइव ऑप्शन नंबर वन वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया